अगर आप भी नॉर्मल डिलीवरी चाहती हैं तो आप इन लक्षणों को इंतज़ार करती हैं, वेट करती हैं कि ऐसा आपके साथ हो और आपकी डिलीवरी जल्द हो। नॉर्मल डिलीवरी खासकर महिलाएं चाहती हैं क्योंकि इसमें जो ठीक होना है, रिकवरी की जो टाइमिंग है, काफ़ी जल्दी महिलाएं ठीक हो जाती हैं। वही सी सेक्शन में थोड़ा सा केयर चाहिए और थोड़ा सा ज़्यादा टाइम चाहिए। तो जो महिलाएं हैं नॉर्मल डिलीवरी के सिम्टम्स को उनके लिए पहचानना बेहद ज़रूरी है। सबसे पहला तो हेड डाउन पोजिशन में बच्चे का आना। हेड डाउन पोजिशन में बच्चा आता है तो नॉर्मल डिलीवरी आपकी काफ़ी पास है। आप नॉर्मल डिलीवरी के एक स्टेप नॉर्मल डिलीवरी के लिए आगे बढ़ चुके हो। अब ये कि जैसे ही बेबी हेड डाउन करता है तो इससे क्या होता है कि बेबी का जो भार है वो बिल्कुल नीचे की तरफ पड़ना शुरू हो जाता है, बेबी नीचे की तरफ खिसकना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे वो नीचे की तरफ खिसेगा, उसकी ड्रॉपिंग जो नीचे की तरफ होगी, तो उससे क्या होगा कि आपके यूरिन ब्लैडर पे उसका दबाव और बढ़ता जाएगा। क्या होता है कि 9वें महीने में बार बार महिलाओं को यूरिन जाने की समस्या बढ़ जाती है, यानी फ्रिक्वेंट यूरिनेशन का लक्षण होना। सेम वैसे ही क्या होता है कि कई महिलाओं के, जैसे बच्चा नीचे की तरफ ड्रॉप करना शुरू करेगा, कई महिलाओं के पीठ में, कमर में दर्द अधिकतर बढ़ जाते हैं, मतलब अधिकतर ये दर्द रहा करता है। जैसे बच्चा हेड डाउन करता है और ड्रॉपिंग शुरू कर देता है तो पीठ में और कमर में दर्द रहना शुरू हो जाता है, और साथ ही श्रोणि एरिया पर भी बच्चे का दबाव काफ़ी बढ़ना शुरू हो जाता है क्योंकि उसका सारा जो वज़न है वो नीचे की तरफ हो रहा है और श्रोणि एरिया पर वो दबाव डालने लगता है, जिससे कि बच्चेदानी का भी मुंह खुलने में मदद पहुंचता है। तो जब नीचे की तरफ दबाव डालने लगता है तो जो पहले आपको सांस लेने में परेशानी होती थी, बिल्कुल सांस चढ़ जाया करता था, अब वो जो प्रॉब्लम है वो आपका सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे वो प्रॉब्लम बिल्कुल गायब हो जाएगा सांस लेने में, और साथ ही आपके योनि से थोड़े बहुत डिस्चार्जेस भी आपको एक्सपीरियंस होंगे, यानी कि डिस्चार्जेस जो है काफ़ी ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस होंगे। नॉर्मल प्रेगनेंसी में जो होते थे उससे ज़्यादा थोड़ा डिस्चार्जेस प्रेगनेंसी में होंगे, इस वक्त होंगे। क्यों? क्योंकि बेबी का जो भारी वजन है उस वजह से जो है गर्भाशय पे, श्रोणि पर दबाव पड़ रहा है, और इस वजह से भी आपके डिस्चार्जेस बढ़े हुए नज़र आएंगे और डिस्चार्जेस में आपको डिस्चार्जेस एक्सपीरियंस होंगे। पेट के आकार में भी बदलाव नज़र आएगा। जब बच्चा नीचे की तरफ आ जाता है तो पेट का जो आकार है वो बिल्कुल नीचे के शेप में आ जाता है। पहले ऊपर फूला हुआ आपको ज़्यादा महसूस होता था, पेट निकला हुआ ज़्यादा महसूस होता था, अब जो है वो नीचे की तरफ लटका हुआ ज़्यादा महसूस होगा। और ये भी एक संकेत है कि बच्चा जो है, कई महिलाओं को ऐसा लगता है कि बच्चा बिल्कुल नीचे कहीं ना निकल जाए या फिर बच्चा गिर नहीं जाए नीचे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो ये सारे कुछ सिम्टम्स हैं जो कि भी नॉर्मल डिलीवरी होने वाली होती है महिलाओं को, ये सिम्टम्स वो एक्सपीरियंस करती हैं और ये एक नॉर्मल सी सिम्टम्स हैं। 9वें महीने में काफ़ी ज़्यादा महिलाओं को भूख भी लगना शुरू हो जाता है। भूख इसलिए क्योंकि इस वक्त बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, उस वक्त बहुत ज़्यादा आपके बॉडी में खून चाहिए, तो इस वजह से भूख काफ़ी ज़्यादा लगनी शुरू हो जाती है। तो ये सारे कुछ एक नॉर्मल डिलीवरी के सिम्टम्स है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करते जाए। धन्यवाद।